हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे होममेड हिबिस्कस शैम्पू। हिबिस्कस में बहुत ही अच्छी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हेयर ग्रोथ और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप भी एक बार ट्राई कर देखना। कुछ हिबिस्कस फ्लावर्स ले लें, लीव्स ले लें। एक चम्मच मेथी दाना, 3 से 4 फलियाँ शिकाकाई की और 5 से 6 रीठा ले लें। ये सभी चीज़ें आसानी से किराना शॉप पर अवेलेबल होती हैं। रीठा और हिबिस्कस में से सीड्स रिमूव कर दीजिए। तोड़ने से इनके सीड्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। रीठा बालों में शाइन लाता है और स्ट्रेंथन करता है और इसमें बहुत अच्छी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। शिकाकाई बालों को सिल्की बनाता है। आधे बाउल पानी में मेथी, शिकाकाई और रीठा को भिगो दें। इन सभी चीज़ों को कम से कम 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट भीगा रहने दें। मैंने इन सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट 4 घंटे के लिए भिगोया था। अब इस मेथी, शिकाकाई और रीठा के मिक्स को बॉईल करने के लिए रख दें। इस मिक्स को हमें ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर बॉईल करना है, क्योंकि रीठा में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट सोप जैसी झाग आएगी। 15 से 20 मिनट बॉईल करने के बाद इसमें हिबिस्कस फ्लावर्स और पत्तियाँ ऐड कर दें। एक बार फिर से स्टर करें और बॉईल होने दें। ये मिक्सचर स्पिल ना हो जाए इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहें। हिबिस्कस और पत्तियाँ डालने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट इसे और बॉईल करें। इस मिक्स में हिबिस्कस का बहुत ही प्यारा पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। ये मिक्सचर जैसे जैसे बॉईल होगा इसमें बहुत सारी फोम बनेगी, तो बीच बीच में स्टर करते रहें। चाहें तो बीच में फ्लेम को 1 या 2 मिनट के लिए बंद भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा फोम बन रही है। अब इसे एक बार फिर से स्टर करें। धीरे धीरे मिक्सचर थिक होना शुरू हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। आप स्पून से चेक कीजिए। इस शैम्पू में सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या कलर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाल रहे हैं। तो इसको स्मॉल बैचेज में बनाएं, साथ साथ यूज़ करें। इस शैम्पू के रिजल्ट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब इसमें 2 से 3 टुकड़े एलोवेरा के डाल दें और स्टर करें। एलोवेरा डालने के बाद ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए स्टर करें, फिर फ्लेम को बंद कर दें। एलोवेरा हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप सबको पता है। जब ये शैम्पू मिक्स ठंडा हो जाए तो इसे छान लें। ठंडा होने पर इसे स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करते हुए सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से प्रेस कर लें। अब इसे किसी ग्लास बॉटल में फिल कर लें। ये शैम्पू बहुत ही सेफ है, इवन आप इसे छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी हिबिस्कस शैम्पू की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय।